मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। मैं जब उठता था सदन में उठता था बात करने के लिए आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए, तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं।